एमसीडी के सदन नेता नरेंद्र चावला ने आज जनकपुरी इलाके के ब्लॉक A5C और ब्लॉक A5B में एमसीडी की टीम के साथ मिलकर यहां के लोगों RWA के प्रतिनिधियों से मिलकर सड़क नाली पार्क साफ सफाई का जायजा लिया। मेरा हर बृहस्पतिवार को अपने क्षेत्र वार्ड का दौरा रहता है। उसके अलावा जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 104 वार्ड हैं उसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। उसमें भी अलग अलग सीनियर लोगों को तय किए हैं, वो उनके भी राउंड्स होते हैं, मुझे मेरा उसमें भी जाना रहता है। लेकिन अपने वार्ड में मेरा हर बृहस्पतिवार को वार्ड रहता है RWS के साथ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ। उसमें जो जो भी समस्याएँ छोटी मोटी हमारे को नज़र आती हैं, दिखती हैं, अफसरों के साथ होते हैं और उसको तुरंत ठीक करने की, दुरुस्त करने की हिदायत और इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बात की और इनके ब्लॉक में समस्याओं के बारे में जानकारियां लेकर इन समस्याओं को उन्होंने तुरंत प्रभाव से खत्म करने के लिए अपने साथ आई हुई साउथ एमसीडी के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नरेंद्र चावला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गुरुवार को वे विजिट करते हैं और समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं, साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा फंड की समस्याओं को लेकर भी अपनी बात कही। पिछले कोरोना के समय में हमारे पास कुछ कर्मचारियों की कमी थी और उसको देखते हुए कहीं अगर कोई कमी रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये सब काम किया जाता है। और दिल्ली से पैसा ना मिलना और उनके द्वारा फंड का रिलीज ना किया जाना, वो सब भी कारण है। हम उनकी तनख्वाह नहीं दे पाते हैं या देरी से दे पाते हैं, वो सब भी कारण बनता है कोई काम में बाधा उत्पन्न होने। और कई बार कई इलाके में देखा जाता है कि PWD की सड़क हो या जो सड़क MCD के तहत भी आती है वहाँ, ये तो जन जागरूकता की बात है। लोगों को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए कि अपने घरों में कंस्ट्रक्शंस करा करके और त्योहारों पर गंदगी को बाहर निकाल करके वो भी मलबा वो सड़कों पर फेंकते हैं रात में, देर रात में। लेकिन इसके एक परमानेंट सॉल्यूशंस की बात है कि इसको रिसाइकल कैसे किया जाए और इसके लिए ब्रिक्स बनाई जाएँ, टाइल्स बनाई जाएँ। उसके लिए भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम संवेदनशील है, हमने उसके लिए प्लांट चालू किया है, वो जल्दी बड़ी गति से ले लेगा, काम करना प्रारंभ कर देगा। अभी उसका ट्रायल बेसिस पे काम चालू है तो आपको लगेगा कि वहाँ से उसको ये आपको मलबा कम मिल रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी सड़कों पे मलबा डाल देना और उनको उस पर हमारे पे थोपना, ये सब उनकी पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें और बातें करते रहते हैं।